हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बिहार की एक बहुत फेमस चने के सत्तू के परौठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मगर बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है गेहूँ का आटा, इसमें मैंने मिलाई है पिसी हुई शक्कर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। आटे के साथ तेल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का हमें एक नरम दो तैयार करना है। बस जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इसका आटा तैयार करना है। अब आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में लेंगे हम चने के सत्तू। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सत्तू लिया है। इसमें डालेंगे हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, तो नमक ध्यान से डालें क्योंकि आटे में भी नमक है, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, आधा नींबू का रस, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पानी डाला है ताकि जो हमारा मिश्रण है वो बिखरा बिखरा ना रहे और क्रम्बली हो जाए। अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच अचार का मसाला डाला है, ये मिर्च का मसाला है। तो बिहार में ट्रेडिशनली इसी तरीके से अचार का मसाला डाल के सत्तू के परौठे तैयार किए जाते हैं। आटे को एक बार मल लेंगे और इसका हम एक पेड़ा लेंगे, रोटी बना लेंगे जैसे कि हम रोटी बनाते हैं नॉर्मली, और इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अब रोटी में हम जो सत्तू का मिश्रण है उसे रखेंगे और रोटी को हम तीनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो गोल सत्तू के परौठे तो हम सभी बनाते हैं। एक बार चने के सत्तू के परौठे तिकोने बना के देखिए, बच्चों को और आपके घर में सभी को ये परौठे बहुत पसंद आएंगे। तो पहले हम सारे परौठे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 सत्तू के परौठे रेडी कर लिए हैं। अब हम तवा गरम करेंगे और इसमें परौठे को रखेंगे, दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। बटर, देसी घी या रिफाइंड ऑयल आप जो भी लगाना चाहें दोनों साइड से लगा लें और इसे करारा कर लें। बस इसी तरीके से सत्तू के हम सारे तिकोने परौठे तैयार कर लेंगे। और आप इन्हें मसाले वाली छाछ, चटनी या दही के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के चौके के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली मुझे परौठे दही के साथ बेहद पसंद है। आप परौठे किसके साथ खाना पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।